महाराज की रात्रि सच में बहुत अद्भुत थी कृष, ये मेरे जीवन की सबसे आनंदमय महारात्रि थी। है राधा, अभी ये महारात्रि शेष है। क्या शेष है कृष? एक क्षण रुको, मैं अभी बताता हूँ। आज मैं तुम्हें वो देने जा रहा हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। दूं? शालिग्राम, बहुत अद्भुत तुमने बनाया। अब बोलो, कोई नहीं है रात्रि अधिक आनंदमय। शालिग्राम अत्यंत भाग्यशाली होते हैं राधा, संकट में हमें शक्ति देते हैं, इन्हें सदैव अपने पास रखना। मैं जीवन भर स्वयं से कभी अलग नहीं होने दूंगी, और रही बात कठिनाइयों की, तो वो जब आएंगी तब देखूंगी। वर्तमान इतना सुंदर और सुखद है कि भविष्य पे ध्यान ही नहीं जाता। भविष्य से मुंह नहीं फेरा जा सकता राधे, उसे तो आना ही है। आओ कीर्तिदा, आओ, आइए आइए विश्वास जी। मैं बस अभी आई। मैं तो बहुत अच्छा किया कि तुम संदेश मिलते ही चले आए। संदेश? कैसा संदेश? क्या बात है, कोई मुझे भी बताएगा? हाँ कीर्तिदा, वो मैं हाँ हाँ अवश्य बताएंगे। पहले मुंह तो मीठा कर लो। ये सब क्या है जीजी? तुम्हारा परिवार बढ़ने वाला है कीर्तिदा, वृषभान जी की इच्छा पूरी होने वाली है। मैंने स्वयं अपनी राधा के लिए एक योग्य वर ढूंढ लिया। अरे मथुरा के लोग हैं, तेजस्वी है लड़का, चरित्रवान है और कुल का भी बहुत नाम, और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। किंतु राधा अभी विवाह के लिए बहुत छोटी है। माँ हो ना, माँ की दृष्टि से देखोगी तो राधा बूढ़ी भी हो जाएगी तभी भी बच्ची ही लगेगी। परंतु कीर्तिदा, विवाह माँ की नहीं समाज की दृष्टि से होता है, जिसके अनुसार राधा की आयु विवाह योग्य हो गई है। किंतु जीजी, कीर्तिदा जटिला भाभी सही कह रही हैं। अब जब उग्रपद जी वर को लेकर संतुष्ट हैं, तो फिर देरी किस बात की?
हमें शीघ्र ही लड़के के परिवार को संदेश भिजवाना चाहिए। बरसाना के मुखिया की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जा रहा है। सामान सज्ज है मुखिया जी, और सर्वश्रेष्ठ भी। बस आपकी शुभकामनाओं का टीका लग जाए। लीजिए। तुम भी आओ कीर्तिदा, टीका लगाओ। मैं स्वयं भी जितना शीघ्र हो सके वर के परिवार से मिलना चाहूंगा। आप शीघ्र प्रबंध कीजिए। जी मित्र। प्रबंध तो हो गया है वृषभान, एक एक करके सब फंस रहे हैं मेरे चक्रव्यूह में। तुम हारोगे बरसाना, कृष्ण हारेगा राधा, और जीत होगी जटिला की। बड़ी मगन हो, प्रतीत होता है कृष्ण ने कोई नया उपहार दिया है। नहीं, ये तो कृष्ण भला क्यों देगा मुझे उपहार? अब बनो मत, दिखा भी दो। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। तो सखियों से सखा की भेंट भी छिपाएगी। अब बोल, ये प्रेम नहीं तो और क्या है राधा? अब बोल ना राधा। हाँ, अब मुझे भी विश्वास हो गया। यदि ऐसा ना होता तो कृष्ण मेरे लिए ये शालिग्राम का उपहार क्यों बनाता? और मैं भला क्यों इस प्रकार कृष्ण के साथ रास करने रात्रि में जाती? ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है, ये प्रेम ही है। मुझे कृष्ण से प्रेम है, प्रेम, 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 प्रियतम से है, जग से कैसा वो। हाँ विशाखा, प्रेम है मुझे कृष्ण से। अब उसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती।